हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। निमोडन साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको उत्सर्जन के बारे में बताया कि उत्सर्जन क्या है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, इन पदार्थों के आधार पर जंतु तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने कल अमीनोटैलिक प्राणी पढ़ाया, दूसरा यूरियोटैलिक प्राणी पढ़ाया और तीसरा जो होता है वह यूरिकोटैलिक प्राणी होता है। तीसरा कौन सा होता है बेटा? यूरिकोटैलिक प्राणी, यूरिकोटैलिक प्राण, यूरिकोटैलिक। देखो पहले वैसे समझा देता हूं, फिर लिखाऊंगा आपको। ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम यूरिकोटैलिक प्राणी कहते हैं। जैसे कीट हैं, सरीसृप और मरुस्थल आवास में पाए जाने वाले जो कशेरुक जो जंतु होते हैं या स्तनधारी जो जंतु होते हैं, वो सभी इस ग्रुप के अंदर आते हैं। यूरिक अम्ल की जो प्रकृति है वो बहुत कम विषैली होती है। कम विषैली होने के कारण इसे अधिक समय तक संचित किया जा सकता है और यह जल में लगभग एग्लेंसिल होती है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके साथ में आप लिखें यूरिकोटैलिक प्राणियों में, क्योंकि कल हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें यूरियोटैलिक के बारे में बता दिया था, अमीनोटैलिक के बारे में लिखा था। अब यूरिकोटैलिक के बारे में पढ़िए। ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में लिखूंगा, कीट जो है वो सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप जो वर्ग है, इसके अंदर जितने भी जंतु होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले स्तनधारी जंतु, ठीक है बेटा, ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे कीट हो गए बेटा, सरीसृप हो गए और मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले जो स्तनधारी जंतु होते हैं, ये सभी यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। यूरिक अम्ल कम विषैली प्रकृति का होता है, डेस्क पर लिखने बेटा, यूरिक अम्ल
कम विषैली प्रकृति का होता है, कम विषैली प्रकृति का होता है और जल में लगभग अघुलनशील होता है। जल में लगभग अघुलनशील होता है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। यूरिक अम्ल कम विषैले प्रकृति का होता है और जल में लगभग अघुलनशील होता है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। स्टार बना के लिख देंगे बेटा, यूरिक अम्ल कम विषैला होता है, इसलिए इसका संचय जंतुओं के द्वारा इसलिए इसे अधिक समय तक संचित किया जा सकता है, अधिक समय के लिए संचित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन था, यानी कि जंतुओं में प्रोटीन उपापचय से निर्मित विभिन्न नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों के आधार पर जंतु तीन प्रकार के होते थे, अमीनोटैलेट जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलेट जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और तीसरा यूरिकोटैलेट जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल सबसे ज्यादा कम विषैला होता है, इसलिए इसे अधिक समय तक संचित किया जा सकता है और जल में लगभग अघुलनशील होता है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। ध्यान से पढ़ना बेटा, चार नंबर का क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है और इस बार पूरी संभावना है, इस टॉपिक की इस बार पूरी संभावना है कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन मानक उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर नेफ्रॉन की क्रियाविधि अर्थात मूत्र बनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो चार नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से दो क्वेश्चन है बेटा, एक तो उत्सर्जन का जो संरचना है, दूसरा नेफ्रॉन की संरचना और तीसरा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। ये तीन टॉपिक हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण है। उत्सर्जन तंत्र, देखिए उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मानव के विभिन्न जो उत्सर्जी अंग हैं वो मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में एक जोड़ी ब्रक्क मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अंग के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप एक जोड़ी ब्रक पाए जाते हैं।
मानव उत्सर्जन तंत्र का जो निर्माण है वह निम्न अंगों के द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहला अंग है बेटा ब्रग, इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको किडनी, एक जोड़ी होते हैं। दूसरा है बेटा मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां एक जोड़ी, मूत्र वाहिनी कह सकते हैं। तीसरा है मूत्राशय एक, और चौथा है मूत्र मार्ग। ये जो चारों अंग हैं, ये चारों अंग मिलकर मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले प्रकों की बात करें तो मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी ब्रक पाए जाते हैं, जो कि गहरे लाल रंग के और सेम के बीच के आकृति के होते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है। स्थिति की बात करें तो जो ब्रक है ये उदर गुहा की पृष्ठ सतह पर, ये हमारी उदर गुहा है, इसकी पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड के दोनों, ये कशेरुक दंड है, इस कशेरुक दंड के दोनों ओर उदर गुहा की भित्ति से लगे हुए होते हैं। मानव के जो ब्रक है, जो किडनी है, ये उदर गुहा में पृष्ठ सतह पर, उदर गुहा की जो पृष्ठ सतह है उस पर कशेरुक दंड के दोनों ओर उदर गुहा की भित्ति से लगे हुए होते हैं। दाई किडनी बाई किडनी से थोड़ी नीचे होती है। दाया ब्रक जो है ये वाला भाग दाया ब्रक हो जाएगा, ये वाला भाग बाएं वाले जो ब्रक है उससे थोड़ा नीचे होता है। क्यों? कि मनुष्य में पाचन तंत्र जो होता है उसका लीवर, लीवर दाई ओर होता है, जिसके कारण यह नीचे होता है। ठीक है बेटा, ये इसकी स्थिति हो गई। आकार और संरचना की बात करें तो गहरे लाल रंग की संरचना होती है, सेम के बीच के आकार का होता है, इसकी 10 से 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 2.5 से 3 मीटर इसकी मोटाई होती है। इसका वजन लगभग 120 से 70 ग्राम होता है। वजन देखो बेटा, ब्रकों की बात कर रहे हैं हम, रंग गहरा लाल हो गया, गहरा लाल, सेम के बीज के आकार हो गया, सेम के बीज का आकार। ठीक है बेटा, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, ठीक, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, ठीक है बेटा, और 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटाई। रंग गहरा लाल है, आकार सेम के बीच का है, लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर हो गई और मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसका जो औसत भार है 120 से 170 ग्राम, इसका औसत क्या हो गया? भार। ठीक है बेटा, अगर हम प्रत्येक ब्रक की संरचना की बात करें, या आकार आकृति हो गई, इसका वेट हो गया, तो इसकी बाह्य सतह तो उत्तल होती है और भीतरी सतह अवतल होती है। अवतल सतह पर एक गर्तनुमा गड्ढा पाया जाता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइलम। हाइलम में ब्रक धमनी और तंत्रिकाएं आती हैं और बाहर मूत्र वाहिनी निकलेगी, लसिका वाहिनी निकलेगी, ठीक बेटा, और ब्रक सिरा निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? देखो आगे आ रहा है, ऊपर से क्या जाएगा? ब्रक धमनी और तंत्रिकाएं निकलेंगी, क्या ब्रक सिरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी,
ये बाहर की ओर निकलते हैं। इनके शीर्ष भाग पर एक कोटिलोमा संरचना पाई जाती है जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अब आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले यहां तक मैं आपको इसको लिखा देता हूं, ठीक है बेटा? साथ साथ लिखिए आप, उत्सर्जन तंत्र हेडिंग डाल लीजिए, उत्सर्जन तंत्र हेडिंग लिखिए। मानव के विभिन्न उत्सर्जी अंग मिलकर मानव के विभिन्न उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी वृक्क अर्थात किडनी पाई जाती है। देखिए बेटा, इसको मानव के विभिन्न उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं और मानव में प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है उसके रूप में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। टेस्ट करके लिखिए बेटा, मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला है वृक्क, संख्या एक जोड़ी लिख लेना बेटा, संख्या एक। दूसरे हैं मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी। तीसरा है मूत्राशय, एक। और चौथा है मूत्रमार्ग, एक। तो मानव के विभिन्न उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। पहला है बेटा वृक्क, एक जोड़ी होते हैं। दूसरी है मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी होते हैं। तीसरा है मूत्राशय, एक होता है। और चौथा है मूत्रमार्ग, ये भी संख्या में एक होता है। अब इसमें सबसे पहला अध्ययन करने के लिए हम वृक्क उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहला अंग है वृक्क, हेडिंग लिख लीजिए बेटा वृक्क। सबसे पहला लिखेंगे वृक्क, जो इंग्लिश में लिख लीजिए किडनी। सबसे पहला वृक्क, वृक्क लिख लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं इसको किडनी। वृक्क लिख लीजिए, लिखिए बेटा मानव में। समझा दिया बेटा मैंने पहले किडनी के बारे में। मानव में
प्रमुख उपसर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी ब्रश पाए जाते हैं। एक जोड़ी पाए जाते हैं जो कि सीम के बीज के आकार के होते हैं। मानव में किडनी की पक्की टेस्ट कर लेंगे बेटा। मानव में किडनी की उत्पत्ति प्रकृति उत्पत्ति भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है। मेजोडर्म से होती है, ध्यान रखना बेटा, किससे होती है? भ्रूणीय मेजोडर्म। कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रकृति उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो भ्रूणीय मेजोडर्म से। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण के चारों ओर तीन लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों परतों के द्वारा, इन तीनों ही लेयरों के द्वारा, यानी कि शरीर के संपन्न संपूर्ण अंगों का निर्माण होता है। अब स्थिति देख लेते हैं बेटा, प्रकृति स्थिति। मैंने पहले भी समझाया था, मानव में जो प्रक है वो उधर गुहा की पृष्ठ सतह, प्रक जो है वो मानव की उधर गुहा की पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड के दोनों ओर उधर गुहा की भित्ति से लगे हुए होते हैं। दायां प्रक बाएं प्रक की तुलना में थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि दाई तरफ लीवर पाया जाता है। अतः मानव में मेटानेफ्रिक प्रकार के ब्रक पाए जाते हैं। स्थिति क्लियर होगी बेटा आपकी, लिख लीजिए आप इसको। मानव में किडनी, लिखो साथ साथ ही, मानव में ब्रक उधर गुहा की पृष्ठ सतह पर, मानव में ब्रक उधर गुहा की पृष्ठ सतह पर, मानव में ब्रक उधर गुहा की पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड के दोनों ओर उधर गुहा की भित्ति से लगे हो। मानव में प्रक उधर गुहा की पृष्ठ सतह पर कशेरुक दंड के दोनों ओर उधर गुहा की भित्ति से लगे होते हैं। दायां प्रक बाएं प्रक की तुलना में बाएं प्रक की तुलना में थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा यानी कुछ नीचे की ओर, स्थित होता है। दायां वृक्ष बाएं वृक्ष की तुलना में कुछ नीचे की ओर स्थित होता है।
क्योंकि क्योंकि दाएं तरफ लीवर स्थित होता है, दाएं तरफ लीवर स्थित होता है। अतः मनुष्य में प्रकृत मेटा निश्चित प्रकार के होते हैं। अतः मनुष्य में मेटा निश्चित प्रकार के वृक्क होते हैं। मानव में वृक्क उदर गुहा की पृष्ठ सतह पर कसूरिक गंड के दोनों ओर उदर गुहा की भित्ति से लगे होते हैं। दायां वृक्क बाएं की तुलना में कुछ नीचे की ओर होता है, क्योंकि दाईं तरफ लीवर होता है। अतः मानव में मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। ये इसकी स्थिति होगी बेटा। अब आकार और संरचना की बात करते हैं, तो लिख लिया होगा यहां तक। इसके बाद आकार आकृति की बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। आकार कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, इसका भार कैसा होता है और इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है। इसके बाद में आंतरिक संरचना आएगी। पहले हम इसकी आकार आकृति पढ़ लेते हैं। स्थिति हो गई बेटा। अब आकार आकृति, आकार आकृति की बात करते हैं। आकार एवं संरचना, वृक्क का आकार क्या है, इसकी संरचना क्या है। देखो बेटा, मानव के जो वृक्क हैं ये सीएम के बीज के आकार के होते और गहरे लाल रंग के होते हैं। गहरे लाल रंग के होते हैं, सीएम के बीज के आकार के होते हैं। 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2.5 से 3 मीटर वो सेंटीमीटर मोटाई के होते हैं, जिसका औसत भार 120 ग्राम से 170 ग्राम होता है। लिख लेंगे बेटा, आकार की बात कर रहे हैं ना, तो मानव में आकार लिखेंगे बेटा। मानव में गहरी लाल रंग के, मानव में गहरे लाल रंग के वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के, जो सेम के बीज के आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। मानव में गहरे लाल रंग के वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के होते हैं। इनकी लंबाई, इनकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बेटा, मानव में गहरे लाल रंग के वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। इनका औसत भार, इनका औसत भार 120 ग्राम से 170 ग्राम
होता है, होता है। ये इसका आकार हो गया बेटा, गहरे लाल रंग के हैं, सेम के बीच के आकार के हैं, लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर है, मोटाई 2.5 से 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और औसत भार जो है वो 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखने बेटा किडनी की बाह्य सतह किडनी की बाहरी सतह उत्तल और आंतरिक सतह अवतल होती है, और आंतरिक सतह अवतल होती है। उत्तल तो ऐसे बेटा, अवतल इस तरह से, ठीक है। फिजिक्स में आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़े होंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ठीक उसी प्रकार। तो किडनी की जो बाहरी सतह है वो तो उत्तल और आंतरिक सतह अवतल होती है। अवतल सतह पर एक गर्तनुमा संरचना पाई जाती है, अवतल सतह पर एक गर्तनुमा संरचना पाई जाती है, अवतल सतह पर एक गर्त मतलब हड्डे जैसी संरचना पाई जाती है, अवतल सतह पर एक गर्तनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं, जिसे हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम में यानी कि हाइलम से या इस भाग से कुछ भी लिख दो आप, इस भाग से हाइलम जो भाग है, जो भट्टा वाला भाग है, उससे इस प्रकार से होती है किडनी। देखो इस तरह से ये अवतल सतह होगी बेटा इसकी, और ये इसकी अवतल सतह। ये जो भट्टे जैसी संरचना, ये वाली जो भट्टा है, इसमें ऊपर से बेटा ब्रक धमनी प्रवेश करती है। क्या करती है? ब्रक धमनी और कुछ तंत्रिकाएं भी प्रवेश करती है, जबकि मूत्र वाहिनियां बाहर निकलेंगी, लसका वाहिनी बाहर निकलेगी और ब्रक स्रावी बाहर निकलती। ये जो भट्टा है, इस गड्ढे की बात कर रहे हैं, तो इस भाग से ब्रक धमनी और तंत्रिकाएं किडनी में प्रवेश करती है। इस भाग से ब्रक धमनी एवं तंत्रिकाएं किडनी में प्रवेश करती हैं, किडनी में प्रवेश करती हैं, जबकि ब्रक सिरा मूत्रवाहिनी और लसिका वाहिनी बाहर निकलती है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको। किडनी की बाहरी सतह पर एक गड्ढा जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं। बाहरी सतह अवतल होती है, आंतरिक सतह अवतल होती है। अवतल सतह पर एक गर्तनुमा गड्ढा पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम से ब्रक धमनी और तंत्रिकाएं अंदर प्रवेश करती हैं, जबकि ब्रक सिरा मूत्रवाहिनी और लसिका वाहिनी बाहर निकलती हैं। किडनी के शीर्ष भाग पर ब्रक हैं, इनके शीर्ष भाग पर एक ओपीनुमा संरचना पाई जाती है। किडनी के शीर्ष भाग पर डैश करके लेफ्ट लाइन लिख देंगे बेटा हम,
कि किडनी के किडनी ब्रक के शीर्ष भाग पर किडनी के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है किडनी के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे जिसे अधिव्रक ग्रंथि अधिव्रक ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। तो बेटा ये आकार और संरचना हो गया। मानव में गहरे लाल रंग की किडनी होगी एक जोड़ी, कितनी एक जोड़ी, और आकार सेम के बीच के आकार का होगा। इसकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होगी, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, और जो मोटाई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। इनका जो औसत भार है वो 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम होता है। एक किडनी की बात है, दोनों किडनी की नहीं है। किडनी की बाहरी सतह उत्तल होती है, आंतरिक सतह अवतल होती है। अवतल सतह पर एक गर्तनुमा गड्ढा यानी गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम के अंदर यानी कि ऊपर से ब्रक धमनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, कहां ब्रक में, और बाहर मूत्र वाहिनी बाहर निकलेगी, ब्रक जो सिरा है वो बाहर निकलेगी और लसका वाहिनी बाहर निकलती है। ब्रक के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि या अधिब्रक ग्रंथि कहते हैं, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अब हम ब्रक की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो वो आपकी नेक्स्ट क्लास में उतार लीजिए इसको।